सौरभ जोशी गुड या बैड? सौरभ जोशी गुड या बैड? तो हे गाइस, माय नेम इज़ बॉबी शाह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्माइलिंग फेस। एंड आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी ठीक होंगे एंड सेफ होंगे, अपने घर में होंगे। तो आज की वीडियो ना ही ब्लॉग होने वाला है, आज के वीडियो कुछ बातें आपसे शेयर करने वाला हूँ। एंड मैं छोटा मोटा क्रिएटर हूँ, बहुत छोटा हूँ, 3-4 सब्सक्राइबर वाला। कंपेयर नहीं कर रहा हूँ अपने आप को सौरभ जोशी से, मैं उनसे मिला हूँ एक नहीं, दो नहीं, 3 बार। ये वाली फ़ोटो और ये वाली फ़ोटो आपको दिख रही होगी, तो मैं 3 बार उनसे मिल चुका हूँ। तो कुछ बातें आपसे और कुछ एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ, तो कुछ शेयर करने के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। मतलब मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि वो अच्छे हैं बेकार हैं। तो यार, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी, फाइनली मेट सौरभ जोशी, तो उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रहा था। तो उसके बाद भी मैं ये वीडियो करना चाह रहा हूँ कि यार, हेट मिल रहा है, लोग सोच रहे हैं मैं उनकी सोसाइटी में जा रहा हूँ एंड वो मना करने फिर भी जा रहा हूँ। तो यार, एक्चुअली बात देखो ऐसी है, वो वीडियो है काफ़ी पुरानी, मतलब काफ़ी पुरानी नहीं है, जिस दिन वो आए थे आप लोग को पता होगा, वो 2 दिन बाद व्लॉग डालते हैं, वो व्लॉग बनाते हैं 2 दिन पहले और डालते हैं 2 दिन बाद, क्योंकि उनकी ये स्ट्रेटजी चल रही है अभी। तो यार, वो अचानक मुझे मिल गए और मैंने उनका यूट्यूब पर कोई वीडियो देखा था कि वो हल्द्वानी आए हैं। तो अगले दिन मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी सुबह 8 बजे कि वो हमारे आसपास ही आए हैं, एक सोसाइटी वहाँ है, तो हमने कहा मिल लेते हैं। तो उस टाइम पे मुझे भी नहीं पता था कि वहाँ सिक्योरिटी है और जोशी को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, तो इसलिए मैं वहाँ गया। तो आपने वीडियो में देख ही लिया होगा, नहीं मिले तो इसकी वजह से मुझे काफ़ी हेट मिल रहा है कि मैं उनके वो बोलने मत आओ, इसके बावजूद भी मैं जा रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उस दिन मुझे पता नहीं था ऐसा कुछ सीन है करके, तो तब से मैं गया नहीं हूँ। तब से वो मुझे सोसाइटी के बाहर मिल लेते हैं तो कभी उनसे बातचीत कर लेते हैं। तो एक बार तो मैंने उनसे पूछा भी व्लॉग बनाने को, तो वो मना कर रहे थे क्योंकि हम सोसाइटी के बाहर ही थे, क्योंकि मैं व्लॉग बनाता, मेरे व्लॉग काफ़ी लोग देखते, मतलब काफ़ी लोग तो नहीं बोलूँगा, जितने भी देखते, फिर वो ही सोचते कि सोसाइटी में, फिर वो भी सोसाइटी में जाते, तो कितने दिन वो भी हमें कहीं बाहर मिलेंगे तो तब व्लॉग बनाएंगे। तो यार, मेरा कुछ उनसे ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि यार, नेचर बेसिक कहूँ तो वो सौरभ जोशी काफ़ी अच्छे हैं, मैंने सोचा नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई इंडिया का टॉप नंबर 1 व्लॉगर कुछ इस नेचर का होगा। काफ़ी अच्छा नेचर था, मतलब कोई एटीट्यूड नहीं कि 6 मील में या मैं इंडिया का टॉप व्लॉगर हूँ, तो ऐसा कोई उनके अंदर एटीट्यूड नहीं है, नेचुरल। जैसे वे 1 लाख सब्सक्राइबर थे एंड अभी वो 6-6.5 मिलियन होने वाले हैं एंड शायद 6.5 मिलियन क्रॉस भी हो गए हैं, लेकिन उनका नेचर जैसा था वैसा है। तो यार, नेचर वाइज तो बोलूँगा काफ़ी अच्छे हैं। उनसे कुछ टिप्स भी लिए कैसे व्लॉग बनाते हो, वो बता रहे थे इस टाइप के सर, मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा तो उनके साथ। वो करता हूँ कभी वो बाहर मिलते हैं सोसाइटी के तो व्लॉग बनाते हैं। एंड यार, वो बार बार अपने व्लॉग में बोल रहे हैं कि सोसाइटी में मत आओ, उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैंने यूट्यूब तो सौरभ जोशी काफ़ी लोग उनके घर जाके उनकी घर की वीडियो बना के डाल रहे हैं। तो यार, ये बात तो काफ़ी गलत है, क्योंकि आप वीडियो बना रहे हो तो आपके जैसे 3 और आएंगे, 3 और वीडियो बनाएंगे, तो यार इस वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो यार, ये ना ही करे तो अच्छा रहेगा, किसी की पर्सनल लाइफ भी होती है, क्योंकि सोसाइटी में नए नए आए हैं तो उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। वो मिलने को मना नहीं कर रहे हैं, मतलब वो कह रहे हैं वीडियो मत बनाओ, यहाँ सोसाइटी में मत आओ, क्योंकि सोसाइटी के जो लोग हैं वो उनसे कह रहे हैं कि यहाँ काफ़ी लोग आ रहे हैं, इस तरह की बातें चल रही हैं। तो यार, कहना तो यही चाहूँगा कि यार, मेरा सौरभ जोशी से मतलब एक्सपीरियंस जो रहा वो काफ़ी अच्छा रहा। तो होप करता हूँ फ्यूचर में कभी वो सोसाइटी के बाहर मिलते हैं तो उनके साथ एक ब्लॉग तो बनाऊँगा। तो यही कुछ एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना था कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा सौरभ जोशी से, तो मैं अपनी ऑडियंस बताना चाहता था। सौरभ जोशी से मिलकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ये वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, बस कुछ बातें शेयर करनी थी वो कर चुका हूँ। तो यार, ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, और जो जो भी चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार मैं 500 सब्सक्राइबर के काफ़ी नज़दीक हूँ। तो यार, 500 सब्सक्राइबर करवा दो, क्योंकि 500 सब्सक्राइबर में काफ़ी स्पेशल वीडियो आने वाली है। तो यार, ये वीडियो यहीं पर करते हैं एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। शेयर करने को बस मैं तो ये बस तो